अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ थाना संबरियाल के अंदर और मेरे साथ वो सफाक मुलज़मा मौजूद हैं जिन्होंने एक औरत को ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसके पेट से बच्चा निकाल कर अगवा भी किया और उसके बाद उसको एक बक्से के अंदर बंद भी कर दिया। सारा माजरा क्या था, मरकजी मुलज़मा हैं मेरे साथ, 60 साल इनकी उम्र है। इससे पहले आपने बहुत सारे वाक़या देखे होंगे अगवा के, लेकिन ये वाहद और पहला वाक़या है जो कि पेट के अंदर से बच्चा निकाल के अगवा किया गया। की किया है तुसी ए सारा, क्यों किया? इरम ने मेरे कासर बच्ची ने बुलाया, बच्ची ने बुला के तो मैं उन्होंने इशारा किया भाई और बुला दी है, मेरे कासर मैं उत्थे थले टुर गई हाँ। तो इरम बाद बुलाया, इरम बुला दे बुलाया, मैं आ गई हाँ। तो फिर ये घर बैठी हाँ, उन्हें जूस पियाया, जूस पिया के तो फिर वो ATM गोलियां पा के तो केले का पा के जूस बना के पियाया, ठीक है वो पियाया तो वह बेहोश हो गई। तो फिर मेरी गल सुन, उन्होंने निमको खान लग पई, वो उस बाद बेहोश हुई है ना, तो निमको खान लग पई, निमक खाँदी फिर बेहोश हो गई। फिर उतों उठा के तो दूसरे कमरे च लाई, दूसरे कमरे च लाइए और सरिंज लाई उन्हें, सरिंज लाइए तो मेरी गल सुन बेहोश हो गई। मैं आख्या भाई बेहोश हो गई, मैं हथा बनिया ने उहदे पैर बने ने, तो फिर मैं छुरी फेरी, छुरी फेर के तो मैं गल सुन कंड ते बह गई, कंड ते बह गई, फिर पासा मार के सीधी होई है, सीधी होई है, मैनू नहीं पता छुरी न मारी है, मैनू प्लेट मारिया, मैनू इस गल का नहीं पता, मैं मूँह ते बैठी गई। फिर उन्हें बच्चा बाहर कढ़िया, बच्चा पुड़क के निकलिया जी, निकलिया बच्चा निकलिया, फिर इन्हें संदूक च पा दिता, मैनू संदूक पा के आँदी लाश घर खड़नी, तो मैं रिकास ने बच्चा देना, नहीं तो मैं बच्चा नहीं देना। मैं आख्या बच्चा तो संदूक च, तो मैं आख्या मेरी गल सुन, वो तो मेरी गल सुन बच्चा तो ना ही है, तो मेरी गल सुन मैं ना इलाज चुक सकती ना मैं कर सकनी हूँ कुछ। तो मेरी गल सुन उन्हें आख्या संदूक चुकना तो फिर ही कम होना, मैं संदूक चुक के फिर घर टुर गई, घरों कपड़े बदल के फिर मैं आई, कपड़े बदल के आई हाँ, तो फिर ये मंजी तो लम्मी पई हाँ, लम्मी पई हाँ, तो यदा हवा द आ गया, हवा द आ गया, तो मेरे गल सुन मैं उत्थे लम्मी पई गई। तुहाडा ते ऐ जिहड़ी मुलज़मा सी डॉक्टर जी दा घर सी ते जिन्हों तुसी कतल कीता, की रिश्ता सी तुहाडा दो तीन? नहीं कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई बस हमसाए सो तुसी? हाँ जी हमसाए सो, हमसाए सो। हाँ जी, ते ओ जिहड़ी दूसरी मुलज़मा है डॉक्टर दी बीवी इरम, वो तो कह रही है कि मैं कुछ नहीं किया, सारा कुछ तुसी किया? नहीं मेरी गल सुनो, एक झूठ मारिया कोई लुक नहीं जाता कुछ, मेरी गल सुन मैं उम्र ये नहीं, मेरी गल सुन मैं छुरी फेरी है, मैं फेरी है, मैं मेरी गल सुन पेट किया उन्हें किया। अच्छा, उन्हें ऑपरेशन किया? हाँ जी। वो कह रही है कि सब कुछ तुसी किया? देखो मेरी गल सुन, मेरे तो झूठ मार दी है, मेरी गल सुन मैं छुरी फेरी है, बस मैं और कुछ नहीं किया, संदूक च पा के खड़ी है, वो मैं आनी है मननी है, ठीक है संदूक च पा के खड़ी, वो लोडर रक्षा बुला के तो वो तो पा के खड़ी है, बंद चार बुला के उन्होंने चुका के उन्होंने खड़िया। उस तो बाद इरादा से घर रखिया की करना चाह रहे सो? आँदी सी भी मैं 70,000 रुपया देना ट्यूटे वाले किसी कैरी डब्बे, तो मेरे गल सुन लाश ठिकाने ला देता, ठीक है हाँ, लाश नु तुसी ठिकाने लाना चाह रहे? हाँ जी हाँ जी। तो जो बच्चा फिर तुसी इत्थों तुहाडी बेटी लैके गई है? नहीं बेटी मेरी, मेरी गल सुन अमृतसर से गए हैं ना, तो फिर मेरी गल सुन उन्होंने मिशन अस्पताल ने आख्या भाई बच्चा खत्म हो गया, लेडी डॉक्टर ने आख्या, फिर डॉक्टर ने उन्हें बुलाया, डॉक्टर ने भी आख्या खत्म हो गया बच्चा, मैं हरवद्या बाहर ला गई, बाहर ला के तो मैं बैंच से बह गई, बैंच तो मेरी गल सुन अद्धा मुन्ना घंटा लगा मेरी धी जो आई आ गया, ठीक है। फिर उन्हें कैरी डब्बे कराया तो वो पा के असी सियाल ला गए, ठीक है उत्थे जा के जनादा भी कर छड़िया बच्चा? जनादा कर छड़िया। तो हुण तुहाडी 60 साल उम्र है, तुसी जरा नहीं सोचिया कि तुसी 60 साल की उम्र दे विच की करता? पता मैं मौला मौला कर माफ़ी मंगनी, मौला सुनिया मैनु माफ़ कर दे, मौला सुनिया मैनु माफ़ कर दे, मौला गलती मेरे को हो गई, मौला मैनु माफ़ कर दे। शर्मिंदा हो तुसी अपने सारे काम? मेरी गल कर तुसी शर्मिंदा, बड़ी बड़ी शर्मिंदा, मैं धक्के दर दर खाने, मैं और की करना।
बेटी जिहड़ी सी तुहाडी ओहदे वास्ते तुसीं इह सारा कुछ कीता? बेटी वास्ते कीता। और ओहनूं पता सी कि तुसीं इक कतल कर छड़न लगे हो? हाँ जी ओहनूं पता सी। हो तैनूं पता ते फिर ते ओह वी नाल मुलजम तुहाडे शरीक होई? मेरे मुजरम ते शरीफ ते होए जे चल जे मेरे कसम पड़ी जाए ते फरार है। हाँ जी ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਪਾਪਾ ਆਪਣੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਇਆ? ਹਾਂ।